आज मैं बताऊंगा 5 नई मूवीज के बारे में जो अभी रिलीज हुई हैं। इस लिस्ट में मैंने कोई एक्शन मूवी ऐड की है, कोई रोमांस ड्रामा तो कोई हॉरर, ताकि आप इन मूवीज को देखते टाइम बिल्कुल भी बोर ना हो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस मूवीज टॉक। ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले नंबर पर मूवी है चैलेंजर्स, जो 2024 में आई है। जो मूवी रोमांस ड्रामा स्पोर्ट एक्टिविटीज पर बेस्ड है। इस मूवी में आपको एक लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा, मतलब उसको लव ट्रायंगल बोलना भी गलत होगा, वो आपको मूवी देखने के बाद ही समझ आएगा। इसमें आपको ताशी नाम की एक टेनिस प्लेयर देखने को मिलेगी, जो अब कोच बन चुकी है अपने ही हस्बैंड की, जिसका नाम है आर्ट। ये एक बड़ी टूर्नामेंट में जाने वाले हैं, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब ताशी का एक्स बीएफ, जो आर्ट का बचपन का बेस्ट फ्रेंड है, वो टूर्नामेंट में इसके खिलाफ खेलने वाला है। अब आगे इन तीनों की लाइफ में जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, वही सब आप इस मूवी में देखेंगे। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.3। इस मूवी की लेंथ 2 घंटे 11 मिनट की है। इस मूवी को आप हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। अगली मूवी है बॉयज किल्स वर्ल्ड, जो 2023 में आई है। जो मूवी एक्शन एपिक डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर एक्टिविटीज पर बेस्ड है। इस मूवी की मेन स्टोरी बॉय नाम के लड़के पर फोकस करती है, जो ना सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। बचपन में इसकी फैमिली को मार दिया जाता है। अब ये उन लोगों से बदला लेना चाहता है। क्या ये उन लोगों से बदला ले पाएगा या नहीं, वो सब आप इस मूवी में देखेंगे। इस मूवी की लेंथ 1 घंटे 50 मिनट की है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 6.4। अगली मूवी है द आइडिया ऑफ यू, जो 2024 में आई है। ये मूवी रोमांस कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटीज पर बेस्ड है। इस मूवी में आपको एक 40 साल की औरत और 24 साल के लड़के का अफेयर देखने को मिलेगा। सोलिन, जो सिंगल पेरेंट है, इसका 24 साल के लड़के हायस के साथ अफेयर शुरू हो जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस सिंगर है, और इसके बारे में लोगों को पता चल जाता है। अब आगे इनकी लाइफ में कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, वही सब आप इस मूवी में देखेंगे। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 6.4। इस मूवी की लेंथ 1 घंटे 55 मिनट की है। इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। अगली मूवी है द फॉल गाय, जो 2024 में आई है। जो मूवी एक्शन ड्रामा और रोमांस कॉमेडी एक्टिविटीज पर बेस्ड है। इस मूवी की स्टोरी एक कोल्ट नाम के स्टंट डबल आर्टिस्ट पर फोकस करती है। इसकी एक्स जीएफ, जो फिल्म बना रही है, उसका एक्टर अचानक गायब हो जाता है, और उसके बाद कोल्ट निकल जाता है उस एक्टर की तलाश में, ताकि ये अपने प्यार को वापिस पा सके। अब आगे इनकी लाइफ में कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, वही सब आप इस मूवी में देखेंगे। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.0। इस मूवी की लेंथ 2 घंटे 6 मिनट की है। इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। अगली मूवी है इमैकुलेट, जो 2024 में आई है। ये मूवी हॉरर ड्रामा एक्टिविटीज पर बेस्ड है। इस मूवी की स्टोरी सिसिलिया के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जिसे सिडनी स्वीनी ने प्ले किया है, जो नन बनने के लिए अमेरिका से इटली जाती है और एक नई चर्च को ज्वाइन करती है। लेकिन इसकी लाइफ पूरी तरह से उस टाइम बदल जाती है जब इसको उस चर्च के उस डार्क सीक्रेट पता चलते हैं। उसके बाद इसकी लाइफ में कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, वो सब आप इस मूवी में देखेंगे। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.8। इस मूवी की लेंथ 1 घंटे 30 मिनट की है। इस मूवी को आप इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।